हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं स्टडी जी के एजुकेशन। दोस्तों, मैंने पिछला वीडियो अपना बनाया था BSSC और BPSC के लिए, तो इसमें आप मैंने कुछ क्वेश्चन दिए थे वो बहुत ही आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट हैं। और ये देखिए, जो मैं ये वीडियो बना रहा हूँ ये क्विक रिवीजन के लिए है, जो एग्ज़ाम आपके नज़दीक आ चुके हैं, 10-15 दिन बचा हुआ है BPSC में और आपके SSC में 2-4 दिन बचे हुए हैं। तो देखिए, क्विक रिवीजन के लिए है। इस वीडियो को देखें, आपको आपके डाउट भी क्लियर हो जाएंगे और इसमें क्वेश्चन जो हैं एग्ज़ाम ओरिएंटेड डाले गए हैं, जो पिछले प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए हुए हैं। तो चलिए एक एक करके पूरा इसमें देख लेते हैं कौन कौन सी कैसी कैसी क्वेश्चन इसमें दिए गए हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे पहला क्वेश्चन जो दिया गया है, बिहार में किस शहर में, बिहार के किस शहर में सबसे अधिक पर्यटन आते हैं। ठीक है, तो बोध गया एक ऐसा शहर है जहाँ सबसे ज़्यादा बिहार में पर्यटक आते हैं। दूसरा यहाँ देख लेते हैं, बिहार में बिहार की प्रथम राज्य भाषा हिंदी है। ठीक है, यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं कि बिहार की प्रथम भाषा कौन सी है, तो आपको देखना है यहाँ पे हिंदी है। ठीक है, इसमें पूछ रहा है कि द्वितीय राजभाषा कौन सी है, तो द्वितीय राजभाषा आपको उर्दू यहाँ पे है। ठीक है, यहाँ पे तीसरा देख लेते हैं। देखिए दिया हुआ है कि बिहार केसरी किसे कहा जाता है। ठीक है, बिहार केसरी, तो बिहार केसरी आपको जयप्रकाश नारायण को कहा जाता है। चौथा क्वेश्चन यहाँ से हम देखते हैं, निम्न में से किस शहर को बिहार का इलेक्ट्रॉनिक्स नगरी कहा जाता है। इलेक्ट्रॉनिक्स नगरी, देखिए यहाँ पे हाजीपुर है जिसको बिहार का इलेक्ट्रॉनिक्स नगरी कहा जाता है। यहाँ पे पांचवा क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये प्रीवियस ईयर से लिए गए हैं सारे क्वेश्चन जो आपके BPSC और BSSC में आए हुए थे। देखिए यहाँ पांचवा क्वेश्चन देख लेते हैं, पटना संग्रहालय की स्थापना कब की गई, कहाँ की गई, कब की गई थी, सॉरी कब की गई थी। यहाँ पे आपके आंसर इसमें हो जाएंगे 1917। 1917 में पटना संग्रहालय की स्थापना की गई थी। और यहाँ पे देखिए छठा क्वेश्चन देख लेते हैं, बिहार के किस भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है। तो एक मैथिली भाषा है जिसको बिहार के यहाँ पे 8वीं अनुसूची, संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है मैथिली भाषा को। यहाँ पे सातवां देख लेते हैं, प्रश्न 7, बिहार की यात्रा करने वाले प्रथम अंग्रेज अंग्रेज यात्री कौन थे। रॉल्फ फिंच थे जिन्होंने सबसे पहले बिहार की यात्रा की थी। और आठवां प्रश्न यहाँ से देखते हैं, बिहार पर आक्रमण करने वाला प्रथम मुस्लिम शासक कौन था। तो बिहार पे आक्रमण करने वाला प्रथम मुस्लिम शासक आपको था मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी, इसी के नाम पे बख्तियारपुर नाम रखा गया है। तो यहाँ पे 9th क्वेश्चन, 9वां क्वेश्चन हम देखते हैं दोस्तों। यहाँ पे 9वां जो क्वेश्चन आपका है, बोल रहा है बिहार का प्रथम हिंदी समाचार पत्र साप्ताहिक। ठीक है, आपको ये साप्ताहिक देखना पड़ेगा, हिंदी पत्र साप्ताहिक क्या है, कौन सा था। यहाँ पे दीन बंधु, ठीक है, बिहार बंधु, सॉरी बिहार बंधु, ये कब लॉन्च किया गया था, ये क्वेश्चन पूछता है हर एग्जाम में। तो ये आपको 1874 में ये आपका लॉन्च किया गया था, बिहार बंधु पूछता है ऐसे क्वेश्चन, बिहार का प्रथम हिंदी समाचार पत्र साप्ताहिक। ठीक है, तो आपको याद रखना है बिहार बंधु 1874। यहाँ पे 10वां क्वेश्चन देख लेते हैं, यहाँ पे 10वां क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए 10वां क्वेश्चन बोल रहा है, बिहार में प्रथम अंग्रेजी समाचार पत्र साप्ताहिक कब लॉन्च किया गया और उसका नाम क्या था। द बिहार हेरोल्ड उसका नाम था और लॉन्च किया गया था आप 1874 को ही इसको भी लॉन्च किया गया था। अब देखिए यहाँ पे 11 क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। बोल रहा है कि किस राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई बिहार में सर्वाधिक है। तो सर्वाधिक जो लंबाई है देखिए राज्य में, NH 31, ठीक है, NH 31 है जिसकी लंबाई सबसे ज़्यादा है बिहार में। और देखिए 12 क्वेश्चन, ग्रैंड ट्रंक रोड को किस नाम से जाना जाता है। तो ग्रैंड ट्रंक रोड
यहाँ पर देख लीजिए, राष्ट्रीय राजमार्ग 2 यानी कि NH2 के नाम से जाना जाता है। और आप सभी जानते होंगे कि ग्रैंड ट्रंक रोड किसने बनवाया था, तो ये बनवाया था शेरशाह सूरी ने। और शेरशाह सूरी का मुकबरा कहाँ पे है, तो शेरशाह सूरी का मुकबरा आपका सासाराम में स्थित है। और यहाँ से आप देख लीजिए 13, बिहार में विद्युत ऊर्जा का मुक्त स्रोत है। बिहार में विद्युत ऊर्जा उत्पादन जो होता है उसका किस चीज़ से सबसे ज़्यादा उत्पादन यहाँ पे बिहार में किया जाता है, तो यहाँ पे विद्युत, ताप विद्युत से यानी कि कोयले से उत्पादन किया जाता है, ठीक है, ताप विद्युत इसका आंसर होगा। यहाँ पे आप देख लीजिए 14, बिहार के किस जिले में कहलगांव थर्मल पावर स्टेशन स्थित है, कहलगांव, ठीक है ना, कहलगांव सुपर थर्मल पावर, ये भागलपुर जिले में स्थित है। यहाँ पे देख लीजिए 15 क्वेश्चन देखते हैं, 15वां क्वेश्चन रीगा, ठीक है ना, रीगा आपको याद रखना है कि रीगा किस उद्योग के कारण प्रसिद्ध है, ठीक है ना, रीगा चीनी उद्योग के कारण ये क्या है, प्रसिद्ध है, बिहार में चीनी उद्योग के कारण रीगा प्रसिद्ध है। यहाँ पे देखते हैं 16, बिहार में देखिए 2001 से 2011 की जो जनगणना हुई थी इसके दौरान जनसंख्या वृद्धि दर दर्ज की गई थी बिहार में, वो कितनी है, यहाँ पे 25.4% जनसंख्या वृद्धि दर दर्ज की गई थी बिहार में। अब देखिए यहाँ पे 17 क्वेश्चन देख लेते हैं, ब्रौनी तेल शोधक कारखाना कब बनाया गया था और किसकी मदद से बनाया गया था, तो ब्रौनी तेल शोधक कारखाना आपको 1964 ईस्वी में बनाया गया था और सोवियत संघ की मदद से बनाया गया था। और यहाँ पे देख लेते हैं 18 क्वेश्चन, भारत के कितने प्रतिशत क्षेत्र पे बिहार स्थित है, यानी कि बिहार का जो क्षेत्रफल है वो कितने प्रतिशत है पूरे भारत की दृष्टि में देखा जाए, तो ये आपका 2.86% है। यहाँ पे 19 क्वेश्चन देख लेते हैं, क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का भारत में कौन सा स्थान है, क्षेत्रफल की दृष्टि से, ठीक है, यहाँ पे 13वां स्थान है क्षेत्रफल की दृष्टि से। यहाँ पे 20 क्वेश्चन देखते हैं, बिहार में संपूर्ण भौगोलिक क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भाग पे वन है, वन, ठीक है ना, बिहार के कितने प्रतिशत क्षेत्रफल पे वन है यानी कि जंगल है, ये बहुत इम्पोर्टेंट हो जाते हैं बीपीएससी के लिए ये सब क्वेश्चन। तो ये है आपके 7.27% क्षेत्रफल पे वन है बिहार में। और यहाँ पे देखिए 21 क्वेश्चन है, बिहार की कुल लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र कितने हैं, निर्वाचन क्षेत्र, ठीक है ना, 21 निर्वाचन क्षेत्र है और उतने ही सीट भी होती, सॉरी 40 40 सीट होती हैं, 21 क्वेश्चन है, 40 सीट है आपके लोकसभा सीट, यहाँ पे 40 है बिहार में। यहाँ पे देख लेते हैं 22 क्वेश्चन, बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे, तो श्री कृष्ण सिंह थे आपके यहाँ के मुख्यमंत्री, प्रथम मुख्यमंत्री। 23 क्वेश्चन है, बिहार राज्य के कुल प्रमंडलों की संख्या कितनी है, 9। यहाँ पे देखिए 24 है, वर्तमान में बिहार में कुल कितने जिले हैं, 38 जिले हैं। देखिए दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत ही ईजी है, एसएससी में आते रहते हैं इस तरह के क्वेश्चन। और देखिए यहाँ पे 25 नंबर क्वेश्चन, बिहार में बलवंत राय मेहता समिति के सुझाव के आधार पे 3 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना की गई थी, ठीक है ना, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहला जो सुझाव उन्होंने दिया था ग्राम पंचायत, देखिए यहाँ पे दिया था ग्राम स्तर पे दिया था उन्होंने ग्राम पंचायत का सुझाव, और प्रखंड स्तर पे दिया था पंचायत समिति का सुझाव, और जिला स्तर पे उन्होंने दिया था जिला परिषद का सुझाव। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है क्वेश्चन कि बिहार में बलवंत राय मेहता समिति के सुझाव पे कितने स्तरीय पंचायती राज की व्यवस्था की गई, तो 3 स्तरीय, पहला ग्राम स्तर पे ग्राम पंचायत, दूसरा प्रखंड स्तर पे आपके पंचायत समिति, और तीसरा आपका जो था जिला स्तर पे जिला परिषद।
और देखिए यहाँ पे 26 क्वेश्चन जो है महात्मा गांधी का पहली बार बिहार में आगमन कब हुआ। तो महात्मा गांधी यहाँ पे 1917 में उनका आगमन हुआ था पटना में। और ये देखिए ये आगमन इसलिए हुआ था कि बिहार के तीनकठिया प्रथा यानी कि नील मजदूरों को यहाँ पे बहुत सताया जा रहा था, इसकी वजह से इन्होंने यहाँ पे आगमन किया था। तो चलिए आगे देख लेते हैं। यहाँ पे 27 क्वेश्चन देखिए, इब्राहिम लोदी के काल में बिहार का सूबेदार, इब्राहिम लोदी के काल में बिहार का सूबेदार कौन था? तो यहाँ पे दरिया खान नूहानी, इब्राहिम लोदी के समय बिहार का सूबेदार था दरिया खान नूहानी। 28 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, यहाँ पे महात्मा गांधी किस गोलमेज सम्मेलन में शामिल हुए थे? देखिए तीन गोलमेज सम्मेलन हुआ था, एक तो हुआ था आपका 1930 में, 1931 में, 1932 में हुआ था। तो दो में महात्मा गांधी शामिल नहीं हुए थे, पहले और तीसरे में उन्होंने वो शामिल केवल हुए थे, दूसरे में शामिल हुए थे जो 1931 में हुआ था। और तीनों में जो शामिल हुए थे वो थे आपके भीमराव अंबेडकर। चलिए यहाँ पे देख लेते हैं 29 क्वेश्चन, ईरान, यमन और ओमान की मुद्रा कौन सी है यानी कि करेंसी, ठीक है ना? ईरान जिसमें न न लास्ट में लगा हुआ है, ठीक है, ईरान, यमन, ओमान की मुद्रा कौन सी है? तो रियाल है, ठीक है, यहाँ की मुद्रा रियाल है आपकी, यानी कि रियाल, ठीक है, रियाल है, ये याद रखें, एसएससी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे 30 क्वेश्चन देख लीजिए, 30 क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन, जापान की मुद्रा आप बताइए क्या है? जापान की मुद्रा आपके येन है, ठीक है, येन। और आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कि चीन की मुद्रा का नाम क्या है, और ये सब बहुत ही इम्पोर्टेंट है बिहार एसएससी के लिए। तो दोस्तों ये हो गया आपका वीडियो समाप्त, और यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें ताकि हमको पता चल सके कि कितने लोग वीडियो को पसंद करते हैं और बनाने की ज़रूरत है या नहीं है। तो धन्यवाद दोस्तों।